आज अपना विषय है वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग क्या होता है? कोई भी संख्या हो, अगर उसका उसी में आप गुणा कर देंगे तो वर्ग मिल जाएगा। जैसे दो है, दो का दो में आप गुणा कर देंगे चार, या दो का क्या है वर्ग है, और इसको आप जो है दो पर दो की घात लगा करके भी प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं वर्गमूल पर, इसी का आप उल्टा कर दीजिए। जैसे चार है, चार का मूल क्या है वर्ग के रूप में, चार का जड़ क्या है, जैसे एक बार इसका जोड़ा बनाए हैं जो दो बार है उसको एक बार लिखेंगे तो मतलब चार का वर्गमूल आ जाएगा दो। ये तो इसकी बेसिक बात है। अब हम इसमें देखेंगे किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न है, 1024 का वर्गमूल निकालिए, 1024 का वर्गमूल निकालिए, कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल? आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। चलिए भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जोड़ा कैसे बनाते हैं। जो पूर्ण संख्या मतलब जो इस तरह से जिसमें दशमलव नहीं लिखा गया है, दशमलव लगा करके आपने ऐसे लगा दिया, 1024.0 होगा, तो इसमें क्या होता है कि इसका जोड़ा इधर से बनाते हैं ऐसे, और उसके बाद फिर वर्ग के रूप में पहाड़ा पढ़ा जाता है। जैसे दो दूनी चार, तीन त्रिका नौ, दो दूनी चार, तीन त्रिका नौ, चार चौके 16। अब आप देखिए जैसे पहाड़ा हम उस तरह चलते हैं, हम देख रहे हैं कि तीन पर पहुंचने के बाद 10 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर लिखेंगे तीन, और तीन त्रिका नौ, 10 में से 9 निकल गया एक, और यहाँ पर हम जोड़ने का काम करते हैं, तीन तीन जोड़ दिया 6। उसके बाद अगला जोड़ा इसके बगल में डायरेक्ट उतर जाता है, हो गया 124। अब हम कुछ ऐसी संख्या लिखते हैं जिससे इसमें गुणा करने पर 124 हो जाए। तो तीन बार अगर ले गए, तीन त्रिका नौ, तीन छक 18, ज़्यादा हो जाएगा। और एक अनुमान है भी कि चूंकि चार लाना है तो या तो दो आएगा या तो आठ आएगा, तो 8×64 लास्ट में इकाई का अंक चार बचेगा, तो हम दो पर ये देख लेते हैं, दो दूनी चार, दो छक 12, एक कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमने दो लिख दिए। तो इस तरह से 1024 का वर्गमूल क्या आ गया 32। इसको ऐसे भी लिख करके दर्शाता है 1024 है इसका वर्गमूल कितना होगा, तो सीधे हो जाएगा कितना 32। अब सवाल में अंकों की संख्या मान लीजिए बढ़ रही है, तब भी तरीका वही रहेगा। जैसे अब कितना है, 151,321 का वर्गमूल ज्ञात करिए, हमको करना कुछ नहीं है, इधर से हम बनाएंगे इसका जोड़ा, बन गया। और हम ले चलेंगे 4×16, ज़्यादा हो जाएगा, तीन बार, तीन त्रिका नौ, 15 में से 9 निकाल लीजिए 6, और यहाँ हम जोड़ने का काम करते हैं, तीन तीन 6, 15 में से 9 निकल गया 6, 13 इधर उतार लीजिए। उसके बाद 6 है तो 6×36, 7×42, 8×48, 9×54, 8 बार ले चल करके देखिए, 6 है बगल में 8, 8×64, 8×6 48, 48×6 8×64 8×48 48×6 54, 8 पर ये हो गया। 9 पर देख लेते हैं, 9×81, 9×54, 54×8 62, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको ले जाना है कितनी बार, 8 बार ही ले जाना है, 8×8 16 और 6×7, और यहाँ आपका हो जाएगा ये 544।
13 में से 4 निकाल दो 9, यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 निकल गया 6। अब 31 इकट्ठा निकाल लो। अब कोई संख्या ऐसे ले आइए जिससे यहाँ पर एक आने की संभावना हो, तो हम देखते हैं 9 9 81 या तो 1 91। एक पर ले जाएंगे तो नहीं आएगा, 9 वाले पर लेकर के चलते हैं। 9 9 81, 9 6 54, 54 8 62 और 9 7 63, 63 6 69, एकदम पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर ऊपर देखिए कितना आया, 389। तो इसका वर्गमूल जो है वह 389। ये आपको अब देखेंगे दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको उस तरह से पूर्णांक देने के बजाय दशमलव में दिया गया हो तब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप जोड़ा बनाना सीख लीजिए। जोड़ा बनाने के लिए अब तक तो पूर्ण था तो इधर से जोड़ा बनाते थे, लेकिन दशमलव संख्या होने पर इसका जोड़ा इधर से चलेगा और इसका जोड़ा दशमलव के बाद वाला इधर से चलेगा, उसका इधर से चलेगा। समझ गए, दशमलव के बाद वाला जोड़ा इधर से बनेगा ऐसे और इधर का इस तरफ से बनेगा। अब यहाँ देखिए एक अकेला हो गया, 0 6 1 जोड़े में हो गए, दशमलव 9 1 5 4 7 1 जोड़े हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, चूँकि एक है, अगर एक हो तो आप डायरेक्ट एक बार ले जाइए, 1 91 1, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 1 2। उसके बाद आप 0 6 उतार लीजिए, तो 0 6 उतारेंगे तो जाएगा नहीं, तो फिर आप जो है 1 0 6 के बाद 0 6 है और ये छोटा है, इसलिए आप एक 0 यहाँ बढ़ा के चाहे तो 0 का जोड़ा करके तब आगे कर लीजिए, नहीं तो सीधे 0 यहाँ कर लीजिए और आगे जो है 9 1। तो अब देखिए अपने पास हो गया 691। अब 3 वाले चलते हैं दशमलव के बाद, 3 3 9 3 0 0 3 2 6, 3 3 6 0 2, 11 में से 9 निकाल दो, 2 8, ये कैंसिल हो गया। अब बगल में 56 उठा लीजिए। अब देखिए 4 4 16, वैसे 4 बार ले चलेंगे यहाँ बगल में तो काम हो जाएगा, 4 4 16, 4 4 24 1 25 और 2 4 9 8, तो कैंसिल हो गया। एक बार आप दशमलव के बाद कितने बार ले गए, 3, और एक बार आप ले गए 4, इसका आ गया 10 दशमलव 3 4, 10 दशमलव 3 4, इसका क्या संख्या का वर्गमूल है 106.9156 का वर्गमूल 10.34। देखिए दशमलव संख्या के बजाय अगर कोई पद आपको भिन्नात्मक मिल जाए तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें यही है अंश का आप वर्गमूल निकाल दीजिए, हर का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो पहले हम अंश का निकाल लेते हैं, 2704 है, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, डब देखेंगे जोड़ा बन ही गया, तो 3 3 9 4 4 16, 5 5 25 5 5 चलेगा, 5 5 10 हो गया, 5 5 25 हो गया, 7 में से 5 निकला 2 और इधर 0 4 इकट्ठा कर लीजिए। अब यहाँ हम ले चलते हैं 2 बार, 2 2 4, 2 2 20, ये हो गया आपका कैंसिल और 2704 का और मूल मिल गया 52 और 49 का आपको पता है कि 7 7 49, तो इसका हो गया 7। तो 2704/49 और मूल 52/7। आप स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। देखेंगे दिया है 4 अंकों की ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो, ये प्रश्न भी टेक्निकल होते हैं, तो चूंकि 4 अंक है तो 4 अंक की स्टार्टिंग आपको पता है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 है। आप पहले इसका वर्गमूल निकालेंगे,
इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप जोड़ा इधर से बनाएंगे, क्योंकि इधर से बनाते जाइए। अब तीन तरीका नौ, तीन तीन छः हो गया, दस में से नौ घटा लीजिए एक हो गया, डबल जीरो उठा लीजिए। तो अब दो बार ले जाएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, एक कन्नों में एक, एक छक छः, दस में से एक निकल गया नौ, और नौ में से छः निकल गया तीन। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इकतीस का वर्ग करेंगे तो हमको नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब जो अगली संख्या मिलेगी वह होगी बत्तीस। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन, क्योंकि इकतीस के बाद कुछ ऐसा मिल रहा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है ये कम हो जा रहा है, बासठ ज़्यादा हो गया उनतालीस कम हो गया, तो ले जाएंगे दशमलव को तो दशमलव में आएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। तो पूर्ण वर्ग के लिए इकतीस के आगे कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या पड़ेगी, बत्तीस, तो हम बत्तीस ले लेते हैं। तो बत्तीस गुणे बत्तीस कर दीजिए, दो दूनी चार, दो तीन छः, तीन दूनी छः, तीन त्रिका नौ, ये हो गया चार, छः छः बारह, नौ एक दस, 1024 जो है वह चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। बहुत ही टेक्निकल सवाल, ध्यान में रखेंगे।